स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं सुनील नाना साहेब करपे इस भूमिका के प्रति बहुत सजग हूँ। मुझे बड़ा विश्वास है। मैं क्रांति के साथ एक बात आपको सबसे कहना चाहता हूँ। साई बाबा ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं वो जीवन में बदलाव लाने के लिए दिए है, क्रांति करने के लिए दिए है और कुछ करने के लिए दिए है। उनका आशीर्वाद, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति ध्यान और क्रिया से जुड़ी है। और बाबा जब थे तो वो आशीर्वाद देते थे अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में उनके समाधान के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए बाबा ने हर तरह से चमत्कार भी उस समय किए। लेकिन अभी जो उनका चमत्कार है वो अपने अंदर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं कण कण में हूँ, मैं चर चर में हूँ, मैं हर व्यक्ति में हूँ, मैं हर भूमिका में हूँ, हर कार्य में हूँ, हर लक्ष्य में हूँ, हर जीवन के पहलू में हूँ। इसी को कहते हैं जीवन, इसी को कहते हैं समर्पण। हमें हमारे जीवन में कौन सी चीज़ से, कौन सी भूमिका से जुड़ना चाहिए, जो लक्ष्य की भूमिका है। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि साई के चरण में हमेशा लीन होना। जो भगवान जो तूने दिया वो तूने ही दिया है। दुख अगर तेरा है तो सुख भी तेरा है, और सुख अगर तेरा है तो थोड़ा बहुत दिया हुआ दुख भी तेरा है। मैं छोटी सी कहानी, बहुत प्रीतिकर कहानी मैं कहना चाहता हूँ। एक राजा अपने वजीर के साथ जंगल में चला जाता है और बहुत बार जंगल में घूमने के बाद एक डेढ़ दो तीन चार पाँच घंटे के बाद उनको भूख लगती है, खाने को कुछ नहीं मिलता है। तो एक पेड़ में वो देखते एक बहुत अच्छा एक ही फल था। वो फल को तोड़ लेते हैं और राजा कहता है वजीर तू आधा खा, मैं आधा खाऊंगा, दोनों की थोड़े टाइम के लिए भूख हो जाएगी, फिर हम राजमहल पहुँच जाएंगे। वजीर कहता है महाराज पहले मैं थोड़ा खाना चाहूँगा, मैं चखना चाहूँगा। और वो एक उसका काट के एक खाता है। जैसे ही वो खाता है वो कड़वा लगता है, बट वो दिखाता नहीं है कि फल कड़वा है। दूसरी भी फाक खाता है, तीसरी भी खाता है और चौथी खाने लगता है। तो राजा कहता है अरे मुझे भी भूख लगी है, तू अकेला ही खा रहा है, तू मेरा वजीर है, मैं तुझे मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू ही अकेला अपनी मनमानी कर रहा है, मुझे खाने दो। और राजा उसके हाथ से वो खींच लेता है और अपने मुँह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुँह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है, खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है, खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है, खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है, खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है,
खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। खींच लेता है और अपने मुंह में डालता है। जैसे पहला एक छोटा सा उसका टुकड़ा मुंह में डालता है तो तुरंत वो थूक देता है, क्योंकि वो इतनी कड़वा फल होता है। राजा कहता है, पागल है तू, इतना कड़वा फल तू अकेला खा रहा है। उसका हृदय मजबूत था, जिगर था उसमें, और उसने जब कूदा तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाया, और जो हट्टा कट्टा था वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके दिल में वो एक ताकत थी, वो जिगर नहीं था। अभी मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी है बहुत, लेकिन अध्यात्म की शक्ति नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत शक्तिशाली दिखा रहा है लेकिन अंदर से खोखला है, कुछ नहीं कर पाएगा। जो इंसान अंदर से मजबूत है वो बाहर से भले थोड़ा वीक भी दिखे लेकिन बहुत कुछ कर पाएगा। इसीलिए आपने शायद देखा होगा, जो भी महान लोग हुए वो शरीर कद काठी से तो सामान्य थे। गांधी जी का तो भाषण भी प्रभावी नहीं था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका और पूरा विश्व उनको सुनता था, क्योंकि उनके शब्द में सच्चाई थी, उनके शब्द में कोई दिखावा नहीं था, उनके शब्द में अपनापन था, अपने शब्दों में अहिंसा और सत्य का विचार था, और उन्हीं के शब्दों में शक्ति थी। इसीलिए महात्मा जी को पूज्य महात्मा जी कहते हैं, बापूजी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, और बहुत चिल्लाने वालों को कौन क्या कहता है। एक बात हमेशा याद रखना, साईं बाबा अपने भक्तों को पहला संदेशा देते हैं शांति का। शांत रहो, ज्यादा हड़बड़ी मत करो, चिल्लाने से कोई भी बात सच्ची नहीं होती, और जिसकी बात झूठी होती है उसको चिल्लाने का हक नहीं होता।
जिसकी बात सच्ची है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और जिसकी बात झूठी है उसको चिल्लाने का हक नहीं है। यानी जो भी है शांति से करो। आज तक तो मैंने देखा फैड हो चुका है लोगों का, लोग सत्संग भी फैड के लिए जाते हैं। मैं उस सत्संग में गया, मैं वहां चार दिन रहा, मैं प्रदेश में गया, मैं विदेश में गया, मैं देश में गया, मैं राजधानी में गया। अरे क्यों, घर में ही मंदिर है भाई, कहीं मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, मैं तो इतना कहता हूं आपको। हाँ जरूर जाओ, श्रद्धा है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, ताकत है, ऑरा है, शक्ति है, लेना है, जरूर जाओ, दिखाओ मत करो। और अगर घर से मंदिर में जाओगे, वहां पूरा दिन पठन करोगे, संस्कृत के श्लोक बोलोगे, और जैसे ही बाहर आओगे गाली देना शुरू करोगे, क्या फायदा? इसका मतलब यह है साल में एक बार मंदिर जाओ, जहां भी जाना चाहते हो अपने श्रद्धा स्थान के ऊपर, लेकिन वापस आने के बाद घर को भी मंदिर मानो। मैं तो कहता हूं शरीर ही मंदिर है, घर तो दूर की बात है, घर तो होगा ही, घर तो है ही मंदिर, लेकिन शरीर भी मंदिर है। और अपने मंदिर को, अपने शरीर को अगर शुद्ध रखोगे, उससे ज्यादा सुख कुछ भी नहीं होगा। देखो बुरा बोलना गलत है, लेकिन बुरे विचार करना भी गलत है। जब तक इस नींव तक आप नहीं जाते, तब तक आपको जिंदगी में कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। आप दिखावा करने से कहीं नहीं पहुंचोगे, सच्चाई के साथ चलोगे बहुत कुछ करोगे। मैं कहानी से शुरुआत करता हूं हर बार, क्यों करता हूं कहानी से? कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण होती है, बोधपूर्ण होती है। वो कहानी हमें संदेश देती है जीवन के बारे में, संकल्प और सिद्धि के बारे में कहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहा था, उठ अर्जुन, लड़ते रहे समस्या से। आज मैं आपको कहता हूं उठो और लड़ो के रोजमर्रा की जिंदगी से। कुरुक्षेत्र आज घर ही है, कुरुक्षेत्र ऑफिस है, कुरुक्षेत्र संस्था है, कुरुक्षेत्र रास्ता है, कुरुक्षेत्र कार्यालय है, कुरुक्षेत्र जो भी कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र ही है। भाई भाई से नहीं बन रही है, नहीं बनी थी दुर्योधन और अर्जुन की, कैसे बनी फिर? भीम और अर्जुन की क्यों बनी? द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उस समय कृष्ण भगवान मदद करने के लिए आए। उस प्रकार आज हमारे माता बहनों के प्रति कोई गलत नजर से देखता है तो आपको कृष्ण बन के उनका वहां खड़ा होना है। जब भीम अपनी ताकत से पूरे जग में जीत रहा था तो सब भाई उसको चेयर अप कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जब आपका कोई भाई अच्छा काम कर रहा है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। यही तो जीवन है। कुरुक्षेत्र बाहर है क्या? कौन सा कुरुक्षेत्र और कौन सा कैसा कुरुक्षेत्र? आप जाओगे लड़ने के लिए? आपकी इतनी हिम्मत है कि आप दूसरों के लिए लड़ोगे? यार पहले खुद के लिए लड़ो, फिर दूसरों की बात करना। मैं तो बहुत सजगता के साथ आज कहना चाहता हूं, जब तक आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होते, दूसरों को मदद करने की सोचो मत। बहुत सारे लोग अभी विमान से प्रवास करते होंगे, वो एयर होस्टेस आपको पहले कहती है कि अपना नकाब जरूर लगाए, दूसरों को मदद करने से पहला आपका नकाब लगाए। बराबर है उसका भाई, तू दूसरों को मदद कर रहा है और खुद ही नहीं लगा रहा है। लोग सोचते दुनिया का क्या होगा, तेरा क्या हुआ है, तू दुनिया का करने जा रहा है। तेरे शब्द को तभी कीमत आएगी जब आप कुछ करोगे, वरना आपके शब्द सिर्फ तोते शब्द है, कुछ उसको अर्थ नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं 10 बातें बोलने से 2 काम करना अच्छा है, और जो 2 काम करेगा वो 2000 काम कर सकता है, लेकिन उसको करने की आदत होनी चाहिए। मेहनत रंग लाती है भाई और बहनों। आज का जो संदेश है साईं बाबा का, जीवन जीने की कला। साई वाणी में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। साई वाणी कोई वो आध्यात्मिक पर्व नहीं है जो बड़े बड़े मंत्र पढ़ के दिन खराब करे। मंत्र खराब नहीं है, लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं समझता है तो वही हो गया। आज मैं कम से कम जो कह रहा हूं और जो मुझे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, प्रसन्नता से, बिना कुछ प्रिडिसाइज माइंड से, मन में कुछ नहीं लेते हुए अगर शांति से सुनेगा तो लिख रखना, साई बाबा उसको आशीर्वाद देने एक बार नहीं रहेंगे। क्योंकि साई क्रिया, सांस ही सब कुछ है, जिसके पास हम देखते नहीं है। जिंदगी चली जाती है, लोग सांस की तरफ नहीं देखते, और वही सांस जो उसको जीत आती है। सब कुछ करते हैं हम, लेकिन सांस की तरफ ध्यान नहीं देते। और जब सांस की तरफ नहीं ध्यान देते, जिस दिन सांस बंद हो जाती है, सब कुछ छोड़ जाते। मतलब जिसके लिए पीछे पड़े वो चीज तो कभी मिलती नहीं, लेकिन जो चीज मिला सकती है, बहुत कुछ पा सकती है, बहुत कुछ जगह पे पहुंचा सकती है, उसी चीज के लिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सांस ही तो जीवन है। जितनी शांत सांस लेने की कला सीखोगे, उम्र बढ़ेगी, लक्ष्य बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, डिप्रेशन से छुटकारा पाओगे और लाइफ में कुछ करने की शक्ति आ जाएगी। इन्हीं बीच में, इन्हीं शक्ति में वो शक्ति है जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए। और इसलिए मैं आज साई ध्यान के प्रति कुछ कहना चाहता हूं।
मूलाधार चक्र से लेकर सहस्राधार चक्र तक की शक्ति को बढ़ाना, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ाना और अपने तीसरी आंख को जगाना, मतलब अपने अंतर ऊर्जा को अपने कार्य के प्रति लगा देना और जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि पाना, इसी को तो जीवन कहते हैं। सार्वजनिक जीवन पर एक मैं बात टिप्पणी करना चाहूंगा। देखो, हर चीजें आप बाहर से कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन चीज आपको खुद को ही करनी है और आप ही को ही करनी है। एक्सरसाइज जैसे आपको ही करनी है ना, उसी प्रकार मेडिटेशन आपको ही करना है, कोई दूसरा आपके लिए मेडिटेशन नहीं कर सकता और उसका फल भी आपको ही मिलने वाला है। आज तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जैसे एक्सरसाइज और मेडिटेशन दूसरा कोई करे और फल अपने को मिले, जैसे एनर्जी कोई इकट्ठा करता है और हम उसकी लाइट लगा देते, उस तरह से नहीं। हमें अपना ही करना है और हमें अपना ही जीना है, और इसीलिए आज अभी मेडिटेशन के साथ मेरे साथ साझा करें। शांति से पैर आराम से पद्मासन में बैठे, आंख बंद करें और मेरे साथ बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और अभी मेडिटेशन के लिए सजग हो जाए और शांति से मेडिटेशन करके अगला भजन सुने। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, यही साईं बाबा का संदेश है, अपने जीवन में मेडिटेशन के साथ जुड़े रहो। प्रणाम। Oh.